आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? ऑपरेटिंग प्रोग्राम डेट एक्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। एक वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच में एक एक्शन परफॉर्म करवाए, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज है, जिसको हम एक साइड पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरी साइड पर यूजर है, ठीक है। उसके बीच में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक ब्रिज प्रोवाइड करता है या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए हम अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम गोल्स एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम्स इजियर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो गोल्स हैं वो, उसमें से पहला गोल उसका ये है कि वो प्रॉब्लम को इजियर बनाने के लिए एक प्रोग्राम जनरेट करता है या प्रोग्राम प्लेटफॉर्म जनरेट करता है, जिसके जरिए यूजर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली उसको सॉल्व कर सके या उसको मैनेज कर सके। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट यूज, कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए एक आसान सा रास्ता बनाता है या आसानी से एक यूजेबल इंटरफेस क्रिएट करता है, जिसके जरिए यूजर अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता है या उसको यूज कर सकता है। यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इज इन एफिशिएंट मैनर। कंप्यूटर के जो सारे हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारे प्लगन्स हो गए या आइडियो ड्राइवर, आइडियो सिस्टम्स हो गए, इनपुट डिवाइसेस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, इन सबको मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसको एफिशिएंट मैनर में चलाने के जो हेल्प करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर, कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर जो सारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो फोर कंपोनेंट पे डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है हार्डवेयर, सेकंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड फोर्थ है यूजर। अब हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर प्रोवाइड्स अ बेसिक कंपोनेंटिंग रिसोर्सेज, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि आप हार्डवेयर, हम आपको पहले ही पता होगा कि हार्डवेयर हम किसको कहते हैं। हार्डवेयर हम उसको कहते हैं जो जिसको हम इजीली टच कर सकें या फील कर सकें, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। उसमें आपकी मेमोरी भी आ जाती है, रैम एंड रोम आ जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपकी कीबोर्ड, माउस वगैरह, ये सब मॉनिटर, जो भी सारी चीजें हैं वो आपके इनपुट आउटपुट में आ जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स यूजेस ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशन एंड यूजर। जो आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को या हार्डवेयर यूजर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज को या हार्डवेयर के जो छोटी छोटी जो कॉम्बिनेशन है उसको जो मैनेज करता है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफाइन द वेज इन व्हिच द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द यूजर। जो भी यूजर की कंप्यूटरली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के में मदद करे, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। यूजर बेसिकली आप जानते हैं कि यूजर कोई भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है, कोई मशीन भी यूजर बन सकती है, एंड अदर कोई भी कंप्यूटर यूजर बन सकता है, क्योंकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। फोर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि तीन कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, और चौथा जो है वो यूजर से है। यूजर्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। आप पहले पहले अब आपका स्टेप क्या होता है, वो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम पे ही आपके जो यूजर्स होते हैं वो इजिली काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स लोकेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मुख्तलिफ रिसोर्स एलोकेट करता है, जैसे कि मैनेज ऑल द रिसोर्सेज, जैसे कि आपके कंप्यूटर में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज करता है, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस के जो रिसोर्सेज होते हैं या यूएसबी के जो रिसोर्सेज होते हैं या मुख्तलिफ जो भी आपके रिसोर्स होते हैं, उन सबको जो मैनेज करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिसाइड्स बिटवीन कंफ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट एंड इफिशियंट एंड फेयर रिसोर्सेज यूजेस। कभी कभी आपके कंप्यूटर के हिसाब में जो
कंफ्लिक्ट हो जाता है कि मुख्तलिफ दो प्रोग्राम्स आप ओपन करते हैं और उनको जो मैनेज करता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंट्रोल प्रोग्राम है. कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रॉपर यूजेस ऑफ द कंप्यूटर. कभी कभी आप कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें जो एरर्स आ जाते हैं उस एरर्स को जो मैनेज करता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है या कंट्रोल करता है. जो कभी कभी आप इम्प्रॉपर कंप्यूटर को इम्प्रॉपरली यूज करते हैं. कभी कभी ऐसा क्या होता है कि एक एप्लीकेशन ओपन कर दी उसके बाद ही फौरन दूसरे एप्लीकेशन ओपन कर दी जिसमें उसमें कंफ्लिक्ट हो गया, उसको जो कंट्रोल करता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से फंक्शंस हैं? जो बेसिक फंक्शंस हैं वो है प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस. ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसको यूजर यूज करके इजीली अपने जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकता है. रन प्रोग्राम्स आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है या उसको रन करने में हेल्प करता है. मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस, जो भी हार्डवेयर के जो डिवाइसेस हैं उसको मैनेज करने में वो हेल्प करता है. दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड फाइल स्टोरेज. आप अगर आपकी जो कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क लगी हुई है उसमें जो आप फाइल्स रखते हैं या आप जो आप डेटा रखते हैं उसको जो मैनेज करता है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, क्योंकि आप जहां पर वो चीज रख रहे हैं वो चीज वहीं पर आपको मिलती है. उसको जो कंट्रोल करता है या उसको मैनेज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. जो फर्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज्यादा फास्ट है और वो स्मॉल है. वेरी स्मॉल एंड फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट इन इनटू द डिवाइस. जो छोटी छोटी डिवाइसेस में बिल्ट इन मिलते हैं जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, एमपी थेरेपी प्लेयर्स होते हैं या बीपी ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें जो तकरीबन जो उसमें जो सॉफ्टवेयर लगे या ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते हैं उसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. सेकेंड इज सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. वन यूजर वर्क्स ऑन द सिस्टम. सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक ही यूजर एक ही टाइम पर एक ही एक्शन परफॉर्म कर सकता है. परफॉर्म्स वन टास्क एट अ टाइम. उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जांपल्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट डॉस हो जाता है एंड पाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो जाते हैं. टेक अ लिटिल स्पेस ऑन डिस्क. उसके जो डिस्क में वो तमाम छोटी सी स्पेस लेते हैं क्योंकि वो तमाम छोटे होते हैं, उसमें इतनी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की इम्पेंडिंग नहीं होती. यूज एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स. रन ऑन एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स. वो इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर्स पे रन होते हैं. मींस के उसके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते जो उसको मार्केट में खरीदा ना जा सके. तीसरा है सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. एक यूजर मुख्तलिफ टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करे उसको सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. यूजर परफॉर्म्स मेनी टास्क एट वंस. मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज एक्सपी. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से जो अभी विंडोज यूज हो रहे हैं वो है विंडोज 10 है, जैसे कि विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 8.1 है. ये सारे विंडोज जो है आपके सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करते हैं. रिक्वायर्स एक्सपेंसिव कंप्यूटर. इसके लिए आपको एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स चाहिए. आप मार्केट को देख लेते हैं तो उसके लिए आपके जो कंप्यूटर्स जो रिकमेंडेड होते हैं वो कोराई 4, कोराई 3, कोराई 5, कोराई 7, कोराई 9 या पेंटियम 4, कोर टू. ये सारे कंप्यूटर्स आपको कॉम्पिटेट करते हैं आपको सिंगल यूज. चौथा जो टाइप आपका आ जाता है वो मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. मेनी यूजर कनेक्ट्स टू वन कंप्यूटर. एक ही यूजर एक ही कंप्यूटर मुख्तलिफ यूजर्स एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं. मींस के जैसे कि सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं वो मुख्तलिफ यूजर को एक्सेस देता है कि एक ही कंप्यूटर पर वो एक्सेस कर सकता है ईच यूजर हैज अ यूनिक सेशन. हर एक यूजर को अपना अपना एक यूनिक सेशन मिलता है कि वो अपना काम कर सके यूनिक्स एंड यूनिक्स लिनक्स एंड वीएमएस. यूनिक्स और लिनक्स आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि जो यूजर है वो मल्टी यूजर से मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सके. मेंटेनेंस कैन बी इजी. इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ईजी होती है. रिक्वायर्स अ पावरफुल कंप्यूटर. इसके लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है. जैसे कि आप हम घर में जो कंप्यूटर्स या आप लैपटॉप यूज कर सकते करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर सर्वर बेस्ड कंप्यूटर्स
हमें चाहिए होता है। मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि बीच में एक सीपीयू आप इसको कह सकते हैं या कंप्यूटर इसको कह सकते हैं, वो सामने पड़ा है। एक साइड पर यूजर वन है, दूसरी साइड पर यूजर टू है। ठीक है, यूजर वन, यूजर जो वन है वो अपना काम दूसरा काम कर रहा है, और यूजर टू है जो वो अपना काम कर रहा है। मीन्स के दोनों अलग अलग काम एक सीपीयू पर कर सकते हैं। मीन्स के मल्टी यूजर, जो मल्टी यूजर्स हैं, यूजर वन यूजर टू ये मल्टी यूजर हो गए, वो मल्टी टास्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। जो एक यूजर दूसरा टास्क परफॉर्म कर रहा है, दूसरा यूजर दूसरा टास्क परफॉर्म कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसके जरिए आप इजीली कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस इज हाउ यूजर इंटरेक्ट्स विद अ कंप्यूटर। यूजर किस तरह से कंप्यूटर को इंटरेक्ट कर सकता है, रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट्स। प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस में दो यूजर इंटरफेस आते हैं। एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को आप GUI भी कह सकते हैं और कमांड लाइन इंटरफेस को आप CL भी कह सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोस्ट कॉमन इंटरफेसेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो मोस्ट कॉमन इंटरफेस है दूसरे इंटरफेसेस से, क्योंकि आज के दौर में जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो टोटली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें आपका विंडोज XP आ जाता है, विंडोज 10 आ जाता है, विंडोज 8 आ जाता है या एंड्रॉइड वर्जन आ जाता है। ये सारे जो आपके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो टोटली ग्राफिकल यूजर बेस पर डिपेंडेंट करते हैं। यूजेस द माउस टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स, इसमें आपका एक माउस होता है जो आपके ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि ये माउस है, ठीक है, इस एरो को आप जहां पर भी ले जाएंगे वो वहां पर जाकर उसको एक्सेस कर, डबल क्लिक करेंगे तो वो उसको एक्सेस करेगा या ओपन कर देगा। यूज अ डेस्कटॉप मेटाफर, उसके लिए आप डेस्कटॉप को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। शॉर्टकट्स, ओपन प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स, आप उसमें अपने जो इंटरनली जो आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उसके आप शॉर्टकट्स बनाकर उसको इजीली ओपन कर सकते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट्स हैव एडिशनल ऑब्जेक्ट्स। टास्क स्विचिंग, आप एक टास्क को मल्टीटास्कर परफॉर्म कर सकते हैं, आप एक टास्क को स्विच करके दूसरा टास्क आप अपना परफॉर्म कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्सेस अलोज डायरेक्टेड इनपुट्स, आपके इसमें आपको डायलॉग बॉक्स भी एक्सेस होते हैं जिसके जरिए आप अपनी एक्सेसिबिलिटी को भी एनहांस कर सकते हैं। ये इंटरफेस जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का है। आपका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है कि उसमें छोटे छोटे बटन्स होते हैं, शॉर्टकट्स कीज होती हैं जिसके जरिए, शॉर्टकट बटन्स होते हैं जिसके जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम CL भी कह सकते हैं। कमांड लाइन ओल्डर इंटरफेस, कमांड लाइन एक ओल्ड इंटरफेस है जो जो पहले कंप्यूटर्स में होता था। आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो टोटली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ओल्ड वो कौन से होते हैं, जैसे कि डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो 75% आपके डॉस बेस्ड पर डिपेंडेंट करते हैं। यूजर टाइप्स कमांड एट प्रोमोट, उसमें एक प्रोमोट होता था जिसमें आप प्रोग्रामिंग कमांड्स के जरिए आप उसको प्रोग्रामिंग कमांड्स लिखते थे या प्रोग्राम्स लिखते थे जिसके जरिए आपका जो प्रोग्राम होता था वो रन होता था या एग्जीक्यूट होता था। यूजर मस्ट रिमेम्बर ऑल कमांड्स, यूजर को जरूरी था कि वो उसके कमांड्स को यूज करके याद रखे, क्योंकि अगर वो किसी भी चीज की कमांड हम भूल जाते थे तो उसको ओपन करना इतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। इंक्लूडिंग ऑल GUIs, ये कमांड लाइन इंटरफेस का एक व्यू है। कमांड लाइन इंटरफेस में आपको ऐसे इस तरह से होता है जैसे कि पहले डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे, उसमें आप क्या करते थे, आपको यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन पर ये छोटे वाइट में जो वर्ड्स नजर आ रहे हैं ये कमांड प्रोमोट है, आप इसमें अपने कमांड्स लिखते थे। इसके जरिए आपके जो जो भी आप लिखने जिस डेटा को एक्सेस करना चाहते थे वो यहाँ पर उसकी एक कमांड होती थी, वो यहाँ पर लिखते थे तो देन वो आपकी जो डेटा है वो एक्सेस होती थी। थैंक यू।